हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि नेशनल वाटर मिशन द्वारा होने वाले वाटर टॉक के लिए आपको कैसे रजिस्टर करना है। पहले तो सबसे पहले आपको आपके क्लास वाले ग्रुप में इस तरह से लिंक भेजा गया है, तो इसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक है नीचे वाला, इसको आपको रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करने से आपको ब्राउजर इस तरह से ब्राउजर में खुलेगा। 19th वाटर टॉक रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग दिस इवेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके तभी जाके ज्वाइन होगा। तो पहले रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले ये मांग रहा है ईमेल, तो अपना ईमेल पहले भरना है। मैं अपना ईमेल भर दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने अपना ईमेल भर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, तो फर्स्ट नेम में कैपिटल में लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट नेम लिख दीजिए, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर है ना, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री में आ जाइए अपने, इंडिया इसमें खोजना पड़ेगा। तो एन चल रहा है, एम इंडिया आ गया। अब इसमें पहले फ़ोन नंबर डालना है, तो फ़ोन नंबर इंडिया का ले, ये ऑटोमेटिकली इंडिया का +91 कोड ले लेगा। अपना फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर। अब ये कंपनी में अपना, अगर आप जिस स्कूल में हैं या कोई कम जो किसी भी कोई भी संस्था में है, आप उसको संस्था का नाम डाल देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केंद्रीय विद्यालय सिटी, अपने सिटी का नाम लिख दीजिए। मैं बोकारो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और उसके बाद में कंट्री, कौन सा कंट्री से आप ये आप हैं, इसको भी इसमें पहले लास्ट आ रहा है उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। तो जापान अभी इंडिया मिला नहीं है, हाँ इंडिया मिला। अब इतना सारा फिल करने के बाद में इसमें क्या क्या भरना पड़ा, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस तो पहले से इसके पहले वाले स्टेप में ही भरना था, अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना कंपनी में अपना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, और सिटी में कौन से शहर से आप हैं तो उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो यहाँ लिख रहा है डन योर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस इवेंट, है ना, डन यू रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। अब इसके बाद में हम लोग इवेंट का इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे, तो व्यू इवेंट इंफॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में अभी जब टाइम हो जाएगा तब हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन के समय हमसे फिर या तो ईमेल पूछेगा और नहीं तो मोबाइल नंबर पूछेगा। तो इस तरह से आपको पहले ये जो वाटर टॉक है उसको देखने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करेंगे तभी जाके फिर वो मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू।